157 एक्शन। सुनाई लिया सब? कब तक किसी का वोट बैंक बने रहेंगे आप? जवान किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है मोदी का लिहाज। खबरदार, अब बहुत हो गया इलियास शरफुद्दीन, खड़े होकर फौरन यहाँ से चले जाइए। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। जी क्या करूं, खड़े होकर ताली बजा दूं आपके लिए या आप ही की आरती उतार दूं, क्या करूं? हमें तो खुदा ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ताने अद्भुत, क्या लॉजिक है सर, आनंद आ गया। ऐसा है कि आरती उतारने लायक तो आप हो ही नहीं। आपको याद है अखिलेश जी, जब नोटबंदी हुई थी तब आप दिल्ली में थे और चाय पर आपने मोदी जी से चर्चा की थी। उनकी चाय इतनी बकवास चाय है, मैं तो नहीं पी सकता। मुझे मायावती का बयान याद है, तभी आपको बउआ कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा था ये सर, तभी ये छोड़, भूल जाइए इन बातों को। मुझे क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, ये भूल जाइए। आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए। अब्बा नहीं मानेंगे। मैडम आप लेक्चर नहीं देंगे मुझे, आप क्यों? आप सवाल करेंगे क्यों? आप या तो मोदी के प्रवक्ता बन जाइए। नहीं हो सकता, मोदी के प्रवक्ता की बात नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा, हमको सिखा रहा है। जाते जाते असद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो दूसरे आपके MP आए वो महाराष्ट्र से आए हैं, तो इस बार महाराष्ट्र में आपके पर जो है थोड़े ज्यादा बड़े देखे जा सकते हैं। सवाल का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप एक मौजूद चैनल के एक मौजूद एंकर हैं। आप मुझे इस तरह की अल्फाज मत करिए, पर निकल रहे हैं, क्या मतलब? हम गधे। पाकिस्तान पर इस हमारे सैनिकों को पाकिस्तान ने 40-44 जवानों की शहादत के बाद ऑपरेशन हमारे भारतीय सेना ने उसका बदला लिया। अखिलेश प्रताप सिंह, मैं अपने बदला लिया सवाल, सेना पे कौन सवाल खड़ा कर रहा है? बार बार सेना को बीच में ला रही है। मुझे आपको बीजेपी का गुणगान गाना है, गाइए, लेकिन सेना को बीच में क्यों ला रही है? तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। सिक्योरिटी सिंह लिख रहे हैं, मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं। मोमिना नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है भाई। ए, गलत बोल रही हो, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया है, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया और हमेशा जो है मुझे कायदे से उन चीजों को रखने के लिए कहा गया है जो फैक्ट्स है। कायदे से रखते हो ना, उस कायदे से पता है क्या होता है, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। अब जैसे अब मैं आपके साथ कुछ टाइम से रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि आप कैसे हो, क्या है, आपको क्या चीज समझनी चाहिए क्या नहीं। तो बहुत से लोग, मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियाँ बकते हैं। खबरदार आपने मेरे चैनल को बिका हुआ कहा तो संजय सिंह साहब। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस डॉक्टर, देखना यार क्या हो रहा है। आप मेरे चैनल पर आए हैं और इस तरह की बात को रखिए। आप बैठ कर यहाँ मत दीजिए, बिल्कुल बोलूंगी खबरदार, बिल्कुल बोलूंगी के गुलामों से, बिल्कुल बोलूंगी आप लोग। आप जबरदस्ती एक ही चीज रखना चाहती हैं आप? इधर उधर की बात मत कीजिए। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए मुझे, बताइए सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहती आप? मैं रट के बैठी हुई हूँ, कह रही हूँ मैं। आपको सर्टिफिकेट क्या देना, आप मोदी के लिए काम कर रहे हैं? क्या बोला तूने? आप मोदी का चैनल चला रही हैं। अरे मैं किसी अडानी के गुलामों के साथ क्यों दिक्कत हो रही है? मैं तो कह रहा हूँ आपको क्यों परेशानी हो रही है? अडानी के गुलामों के लिए काम कर रही हैं। मैं जनता के लिए यहाँ पर सवाल पूछ रही हूँ। देखो देखो, दरिंदगी की चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। अरे आप जो आप बिल्कुल नहीं कर रहे उसकी बात कीजिए। मैं देश की गुलामी कर रही हूँ, मैं हिंदुस्तान की गुलामी कर रही हूँ। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, बिल्कुल।
अडानी का कितना नाम लूं, कितने बार नाम लूं, अडानी की गुलामी तो आप कर रहे थे संजय सिंह, और अब खामोशी से सुनिए और समीर के बारे में रहकर मुझसे बात कीजिए, समझे आप? सुनिए जो बात करने की तमस नहीं है, देखो कैसे बात करता तू। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।